हर्पीस सिंप्लेक्स, तो हर्पीस सिंप्लेक्स इट बिलोंग्स टू द फैमिली हर्पीस वायरिडे। इट इज अ डीएनए वायरस, लेटेंट इन्फेक्शंस आर सीन हियर। क्या हुआ, ये कौन सा फैमिली को बिलोंग करता है? हर्पीस वायरिडे फैमिली को बिलोंग करता है और ये एक डीएनए वायरस है। आपको मालूम है वायरसेस में क्लासिफिकेशन में आरएनए वायरस रहता है, डीएनए वायरस रहता है, तो ये वायरस डीएनए वायरस है। लेटेंट इन्फेक्शंस आर सीन हियर। लेटेंट इन्फेक्शंस माने क्या है? माने एक बार इन्फेक्शन हुआ, सोचो आप, आज इन्फेक्शन हुआ और वो हील होके चला गया, बाद में 3 साल के बाद या 4 साल के बाद फिर वो इन्फेक्शन होना, तो उसको हम लेटेंट इन्फेक्शन कहते हैं। कैसे होता है? क्योंकि वो वायरस बॉडी में ही कहीं पे चिप कर रहता है, बाद में रिएक्टिवेट होके फिर इन्फेक्शन देता है, उसको लेटेंट इन्फेक्शन बोलते हैं। तो अभी हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो हमें मालूम है कि ये डीएनए वायरस है। इसका कोर जो है, ये पूरा जो कोर है, ये आइकोसोहीड्रल्स कोर है। आइकोसोहीड्रल स्ट्रक्चर में ये कोर रहता है। उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है और ये लीनियर डीएनए है। और उसको डीएनए कोर को कौन कवर कर रहा है एक ग्रीन में, उसको हम कैप्सिड बोलते हैं। और कैप्सिड के बाहर क्या है ये वायलेट कलर में, वो है टेग्यूमेंट। टेग्यूमेंट माने प्रोटीन फिल्ड एरिया है। सब कुछ क्या है? प्रोटीन फिल्ड एरिया है। बाद में ये क्या आ रहा है? लिपिड बाई लेयर आ रहा है। ये लिपिड बाई लेयर में क्या है? ये ग्लाइको प्रोटीन स्पाइक्स है इसका, लिपिड बाई लेयर में। ये मैंने अलग करके नहीं लिखा, इसलिए जब मैं बोलती हूँ ये ठीक तरह से सुनने का, और ये सभी डायग्राम ड्रॉ करने के बाद मैंने जो भी पॉइंट्स बताया अभी स्ट्रक्चर के बारे में, वो भी लिखने का। तो अभी ये हो गया उसका स्ट्रक्चर। तो हमें मालूम है कि इट बिलोंग्स टू हर्पीस वायरिडे। उसके बाद हर्पीस वायरिडे ही अल्फा वायरस में क्लासिफाई होता है, बीटा वायरस में क्लासिफाई होता है और गामा वायरस में क्लासिफाई होता है। कौन? हर्पीस वायरिडे। अभी ये जो अल्फा वायरस है उसमें कौन आता है? हमारा हर्पीस सिंप्लेक्स उसमें आता है। कौन से? अल्फा वायरस में हमारा हर्पीस सिंप्लेक्स आता है। तो इट बिलोंग्स टू द सब फैमिली अल्फा वायरस। द टाइप्स ऑफ अल्फा हर्पीस वायरस, और तो ये अल्फा हर्पीस वायरस में कौन कौन आ रहे हैं? HSV-1 माने हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस 1, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस 2 और वैरिसेला जोस्टर वायरस। अभी ये हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस 1 और हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस 2 को, दोनों को हम हर्पीस सिंप्लेक्स ही बोलते हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या है? तो इनमें डिफरेंस अभी हम देखेंगे। तो ये हुआ उनका डिफरेंस। सो हर्पीस सिंप्लेक्स टाइप 1 यहाँ पे लिखा है, हर्पीस सिंप्लेक्स टाइप 2 यहाँ पे लिखा है। तो पहले कॉजेस लीजन्स अराउंड माउथ, एक बात आप ध्यान में रख लो, हर्पीस टाइप 1 जो है वेस्ट के ऊपर माने हिप के ऊपर जो भी आता है हर्पीस सिंप्लेक्स 1 से आता है, और हिप के नीचे भाग जो भी वेस्ट बोलते हैं ना, वेस्ट के नीचे भाग जो भी आता है वो क्या है? हर्पीस सिंप्लेक्स करता है। हर्पीस सिंप्लेक्स टाइप 2 उसका रीजन रहता है। तो कॉजेस लीजन्स अराउंड माउथ, तो यहाँ पे क्या है? अराउंड माउथ लीजन्स होते हैं मुंह के ऊपर, और वो मुंह में जिंजाइवा, बक्कल कैविटी सब कुछ अफेक्ट कर सकता है। स्प्रेड्स बाय डायरेक्ट कांटेक्ट और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, तो कैसे स्प्रेड होता है ये? डायरेक्ट कांटेक्ट या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। शोस लेटेंट इन्फेक्शन एज दे रिमाइंड लेटेंट इन सेकेंडरी न्यूरॉन्स, माने ये क्या, सॉरी सेकेंडरी नहीं, सेंसरी न्यूरॉन्स। तो ये लेटेंट इन्फेक्शन दिखाते हैं, क्यों? क्योंकि ये जाके कहाँ पे छुपते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स में जाके छुपते हैं, उनके गैंग्लियन में, एग्जैक्टली बोलना है। तो नेक्स्ट, इन्फेक्शन कॉमन, या ये इन्फेक्शन कॉमन 6 मंथ्स टू 3 ईयर्स ऑफ एज, तो प्राइमरी इन्फेक्शन बच्चों में होता है ये इन्फेक्शन। रिकरेंट इन्फेक्शंस आर सीन इन दिस, सो रिकरेंट इन्फेक्शंस हमने बोला उसी लेटेंट इन्फेक्शंस को रिकरेंट इन्फेक्शन भी बोलते हैं, बार बार आता रहता है।
HSV type 2 causes lesions around genitalia. हमने बोला कि वेस्ट के नीचे जो भी आता है वो टाइप 2 से आता है, तो जेनेटाइलिया के जो भी लीजन्स रहते हैं वो HSV 2 टाइप 2 करता है. स्प्रेड्स बाय सेक्सुअल कांटेक्ट, तो यहाँ पे स्प्रेड कैसा होता है, सेक्सुअल कांटेक्ट. और ये सेम क्यों लिखा है, माने इस सेम यहाँ पे भी शोस लेटेंट इन्फेक्शन एज दे रिमाइंड लेटेंट इन सेम. इसका भी ये भी जाके सेंसरी न्यूरॉन्स में चिपता है और वहीं से फिर बाद में लेटेंट इन्फेक्शन देता है. इन्फेक्शन कॉमन इन अडल्ट, यहाँ पे तो बच्चों में थे, यहाँ पे प्राइमरी इन्फेक्शन एक अडल्ट में हो जाता है. और यहाँ पे भी सेम, माने रिकरेंट इन्फेक्शन और सीन यहाँ पे भी देखते हैं. अभी हम जाएंगे पैथोजेनेसिस को, तो फर्स्ट सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन देखने का पैथोजेनेसिस में. द सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन और द सेलाइवा, स्किन लीजन्स, रेस्पिरेटरी सेक्रीशंस एंड एसिम्टोमेटिक कैरियर्स. तो हमें दूसरों को इन्फेक्शन कैसे स्प्रेड होता है, सेलाइवा से, स्किन लीजन से, रेस्पिरेटरी सेक्रीशन से और एसिम्टोमेटिक कैरियर्स, माने कौन उनमें वायरस रहता है पर उनको कोई भी सिम्टम्स नहीं रहता, तो उनको हम एसिम्टोमेटिक कैरियर्स बोलते हैं. अभी पैथोजेनेसिस के लिए मैंने डायग्राम डाला है ताकि आपको इजी हो जाए. इसलिए तो पहले हम देखेंगे कि हर्पीस सिंप्लेक्स 1 देख रहे हैं, दोनों का सेम ही है. हर्पीस सिंप्लेक्स टाइप 1 का भी और टाइप 2 का भी पैथोजेनेसिस सेम ही रहता है. तो पहले वो ये ग्रीन कलर, ये स्किन है, ठीक है, ये स्किन है, ये क्यूटेनियस नर्व्स है. क्यूटेनियस नर्व्स माने सेंसरी नर्व्स, और ये जाके सेंसरी गैंग्लियन है, फिर बाद में ये जाके स्पाइनल कॉर्ड है, अटैच हो जाता है, माने कनेक्शन रहता है. तो पहले वायरस ये जो रेड कलर का है स्किन सेल को इन्फेक्ट कर दिया है इसने, उसके बाद वो स्किन सेल में मल्टीप्लाई हो रहा है. मल्टीप्लाई होने के बाद वो सेल्स को बेलून जैसा बना देता है, माने फ्लूइड फिल्ड बेलून जैसा हो जाते हैं. बाद में वो ब्रेक होके सेल्स अल्सर बन जाते हैं, तो स्किन के ऊपर अल्सर आ जाता है. जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है वायरस, वो क्यूटेनियस नर्व्स के द्वारा जाता है, जाके कहाँ पे डॉर्मेंट छिपता है वो, यहाँ पे सेंसरी गैंग्लियन में डॉर्मेंट रहता है, माने किसी को भी पता नहीं चलता कि यहाँ पे वो छुपकर वहां पे भी मल्टीप्लाई करके छुपके रहता है. तो ये हो गया प्राइमरी इन्फेक्शन कैसा होता है. तो ये अल्सर यहाँ पे हो जाता है, बाद में क्या हो जाता है, ये अल्सर क्रस्ट बन के गिर के हील हो जाता है. हील होने के बाद फिर कुछ महीने नहीं, सालों के बाद, आप सोचो 3 या 4 साल के बाद फिर क्या हो जाता है, जब शरीर का इम्यूनिटी कम हो जाता है. सोचो कुछ बहुत ही बड़ा बुखार आ गया उसको, या बहुत ही स्ट्रेस हो गया उसको, तब क्या करता है, ये एक्टिवेट हो जाता है ये वायरस. फिर वो ये सी क्यूटेनियस नर्व से फिर वो ट्रेवल करके स्किन में आके फिर वो लीजन्स देता है. तो ऐसे इसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट इन्फेक्शन बोलते हैं. तो यहाँ पे देखो, रिकरेंट अपियरेंस ऑफ लीजन, वायरस इज रीएक्टिवेटेड हियर, इट ट्रेवल्स बैक टू द साइट वाया सेंसरी नर्व्स. तो ये हो गया आपका कैसा, पैथोजेनेसिस. तो अभी हम डॉर्मेंट, कहाँ HSV-1 रिमाइंस डॉर्मेंट इन ट्राइजिमिनल गैंग्लियन, ट्राइजिमिनल नर्व का ट्राइजिमिनल गैंग्लियन. HSV-2 रिमाइंस डॉर्मेंट इन द सेक्रल गैंग्लियन, कहाँ पे रहते हैं वो, डॉर्मेंट पहला वाला टाइप 1 ट्राइजिमिनल में, दूसरा वाला कहाँ पे रहता है, सेक्रल गैंग्लियन में वो डॉर्मेंट रहते हैं. तो अभी हम लीजन्स को जाएंगे. लीजन्स माने क्या, वो कैसे, जब वो लीजन्स होते हैं कैसे दिखते हैं ये, तो ये थिन वॉल्ड रहते हैं, अम्बलिकेटेड रहते हैं और रूट्स ब्रेक होके अल्सर बन जाता है. तो लीजन्स कैसे रहते हैं, थिन वॉल्ड रहते हैं, अम्बलिकेटेड रहते हैं और ब्रेक होके अल्सर हो जाता है. तो ये एक एग्जाम्पल है हर्पीस सिंप्लेक्स का. तो आप देख सकते हो, थोड़ा बड़ा करती हूँ मैं इसको, तो आप देख सकते हो ये लीजन्स है, ये थिन वॉल्ड रहते हैं और अम्बलिकेटेड माने सेंटर में एक डॉट रहता है, पंक्टम रहता है उनको, उन ऐसे लीजन्स को अम्बलिकेटेड बोलते हैं, सेंटर में एक पंक्टम रहता है. उसके बाद वो ब्रेक होके ऐसे अल्सर्स बन जाते हैं, ऐसे अल्सर्स
बन जाता है, ये लीजन्स है उसका। तो ये लीजन्स कहाँ कहाँ पे दिखते हैं? ये लीजन्स क्यूटेनियस इन्फेक्शन माने स्किन के ऊपर, फेस और चीक के ऊपर, लिप्स के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं? हर्पीस लेबियालिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्पीस लेबियालिस। बकल म्यूकसा में वो जिंजाइवा, स्टोमेटाइटिस और फेरेंजाइटिस कॉज करता है। ऑफ्थाल्मिक माने आंख, बकल म्यूकसा माने मुंह के अंदर जो म्यूकसा है। आंख में वो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस और फॉलिकुलर कंजंक्टिवाइटिस कर सकता है। सीएनएस माने सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, वहां क्या कर सकता है? हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, एंसेफेलाइटिस और मेनिंजाइटिस दे सकता है। जेनाइटल, ये कौन कॉज करता है? हर्पीस सिंप्लेक्स टाइप टू, वो क्या करता है? मेनली अल्सर्स ऑन दी ये पीनीस और यूरेथ्रा, कहाँ पे? मेल्स में, और सर्विक्स, वेजाइना और वल्वा फीमेल्स में। कंजनाइटल भी हो सकता है, माँ से, पेट में जब बच्चा रहता है माँ से भी वो ट्रांसफर हो सकता है। कंजनाइटली ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेंटल इन्फेक्शन टू फीटस भी हो सकता है। नियोनेटल हर्पीज माने जब बच्चा पैदा है, नियोनेटल माने 28 डेज का बच्चा, उसमें भी हर्पीस देखा गया है। अफेक्ट्स आई, माउथ और स्किन। नियोनेटल में कहाँ कहाँ अफेक्ट होता है? आई, माउथ और स्किन में अफेक्ट होता है। अभी हम लैब डायग्नोसिस को जाएंगे। लैब डायग्नोसिस में क्या क्या कर सकते हैं हम? पहला माइक्रोस्कोपी, इसको साइटोपैथोलॉजी भी बोलते हैं। माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। क्या करने का? जैंक स्मियर निकालने का, स्मियर फ्रॉम द बेस ऑफ द वेसिकल्स। अभी मैंने वो दिखाया नहीं, वो लीजन्स, उसका बेस से स्मियर निकालने का, उसको स्टेन करके माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने का। जब हम ऐसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं, हमको क्या दिखता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड जेंट सेल्स विथ फेसेटेड न्यूक्लियाई और ग्राउंड ग्लास क्रोमैटिन, जिनको हम जैंक सेल्स बोलते हैं। तो ये तीन वर्ड्स लिखने का ही, अगर जैंक सेल्स करके आ गया तो शॉर्ट नोट्स आप लिखने का, ये हर्पीस सिंप्लेक्स में देखा जाता है माइक्रोस्कोप के अंडर। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड माने एक सेल में बहुत न्यूक्लियस है, फेसेटेड न्यूक्लियस है और ग्राउंड ग्लास क्रोमैटिन है। तो नेक्स्ट जाएंगे, हर्पीस एंटीजन कैन बी, नेक्स्ट मेथड कैसे कर सकते हैं हम? हर्पीस एंटीजन कैन बी डिटेक्टेड बाय इम्यूनोफ्लोरेसेंस एंटीबॉडी टेक्निक। ये भी मैंने माइक्रोस्कोपी के अंडर ही लिखा, क्योंकि बाद में जब ये इम्यूनोफ्लोरेसेंस एंटीबॉडी को देखना है तो माइक्रोस्कोप के नीचे ही देखने का उसको, इसलिए। नेक्स्ट आ जाते हैं वायरस आइसोलेशन, इसमें क्या क्या कर सकते हैं? अर्लियर दिस वाज डन यूजिंग माइस एंड चिक एम्ब्रियो। चिक एम्ब्रियो में कहाँ? कोरियो एलेंटॉयटिक मेम्ब्रेन रहता है उसका, वहां पे वो वायरस आइसोलेशन कर सकते थे, पर आजकल ऐसे नहीं कर रहे। आजकल टिश्यू कल्चर, ह्यूमन डिप्लॉयड फाइब्रोब्लास्ट यूज करके वो वायरस को आइसोलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे सीरोलॉजी। सीरोलॉजी में हम क्या क्या डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? एक एलिसा के द्वारा कर सकते हैं। एलिसा में क्या डेमोन्स्ट्रेट होता है? डेमोन्स्ट्रेट्स रेज इन एंटीबॉडी टाइटर्स, ए बी माने एंटीबॉडी टाइटर्स, नहीं तो न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट करके सीरोलॉजी में। सीरोलॉजी माने क्या है? हमारा ह्यूमन सीरम को निकाल के क्या क्या टेस्ट करेंगे उसको हम सीरोलॉजी बोलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट में भी हम हर्पीस सिंप्लेक्स को डायग्नोज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं वैरिसेला जोस्टर और हर्पीस जोस्टर के बारे में बताऊंगी।